ज्यादा डिफरेंट और हटके होने वाला है। और मैं जेन्युइनली आज अलग सी खुश हूँ, अलग सी। और ये मेरा गांव का रास्ता है ना, पीछे मेरा घर है। और लाइक 2 किलोमीटर दूर तक चल के जाना पड़ता है, लाइक बस और ऑटो वगैरह जो भी लेने के लिए, मतलब मेन रूट जो है उसके लिए बहुत हर चल के जाना पड़ता है। सो मैं चल चल के जा रही हूँ और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, है ना। और मेरा हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया चल के भी। और आज का जो न्यूज़ है, मैं खुद ही लाइक बहुत टाइम से आई वॉज यू नो प्लानिंग कि ये चीज़ मैं करूँगी, एंड टुडे इज़ द डे गाइज, मैं हिमालयन लेने जा रही हूँ वो भी चल के। सो मैंने सोचा कि रास्ते में ब्लॉग बनाते जाऊंगी और टू मच एक्साइटेड गाइज। और जेन्युइनली बोलूँ ना तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि गाइज मैं अपना बचपन का सपना पूरा करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं क्लास सिक्स सेवन से ही मैं बाइक चलाती हूँ। बट मेरे घर में स्कूटी ही था तो कभी मतलब कि बाइक बार बार चलाने का मौका नहीं मिला। बट मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरा एक बाइक होगा। सो मुझे ना बहुत पसंद है, आई जस्ट लव बाइक्स। बट यू नो फाइनेंशली उतना स्टेबल नहीं थे उस टाइम पे तो ले नहीं पाए। और आपको पता ही होगा एक मिडिल क्लास फैमिली और एक स्पेशल एक लड़की के लिए वही बाइक के लिए बहुत ही सारे मतलब कि रुकावटें होती है ना, क्योंकि लड़कियां है बाइक कैसे चलाएगी, है ना, सॉफ्ट हार्टेड गर्ल कैसा होगा। सो बट मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि लाइक मैं कैसी हूँ। सो टुडे इज़ अ डे और मेरा सपना पूरा हो रहा है। इस वीडियो पे बने रहो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो मी सम लव एंड सपोर्ट। सो आई मीट यू देयर और मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस इस वीडियो पे बने रहो, सो आई टेक यू देयर। ओके, सो मैं पहुँच गई हमारे यहाँ के नियरेस्ट रॉयल इनफील्ड के शोरूम में। और भाई जैसे मैंने एंट्री किया ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गाइज मैं अपना ड्रीम बाइक लेने के लिए आई हूँ। सो गाइज मैंने ना सेम डे बुकिंग एंड सेम डे मैंने डिलीवरी लिया अपने बाइक का। एंड दिस शोरूम इज ऑल्सो नोन एज अ राइडर्स कॉर्नर। सो गाइज अगर आप रॉयल इनफील्ड फैन हो ना तो आप वंस एक बार तो जरूर यहाँ विजिट करना। देन उसके बाद में मुझे जो हिमालयन का कलर जो चाहिए था गाइज, मैंने उन्हें बोला तो वो कलर उनके पास में अवेलेबल नहीं था। सो उनके पास जो कलर में अवेलेबल था उन्होंने मुझे वो दिखाया। देन उसके बाद में ना मुझे वो कलर भी पसंद आया, सो मैंने वो फाइनल किया। देन उसके बाद में फाइनल हो जाने के बाद में हम चले गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए। सो हम यहाँ बैठ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कर रहे थे। देन उसके बाद में जितना कुछ भी फाइनल हो गया उसके बाद में फाइनल जो पार्ट आया गाइज साइन करने का, सो देन उसके बाद में कंटिन्यूसली मैं इतने सारे पेपर थे साइन करने के लिए, मैं करे जा रही थी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। देन उसके बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी गाइज, स्पेशली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपना ड्रीम बाइक लेने के लिए गई हूँ। एंड यस आई रियली वांट टू थैंक एवरीबॉडी, सो थैंक यू सो मच राइडर्स कॉर्नर फॉर हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहाँ बैठे बैठे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फाइनली मैंने हिमालयन ले लिया और फाइनली मैं यहाँ हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। एंड आई एम टू मच हैप्पी एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। एक्साइटमेंट तो इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती। सो अभी सेफ्टी गार्ड्स वगैरह लग रहे हैं बाइक में, उसके बाद मैं आपको फाइनल रिव्यू मैं दूंगी। सो या आई एम एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए और मेरे फैमिली को दिखाने के लिए कि लाइक फाइनली मैंने ले लिया। सो उनका रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। सो अभी सेफ्टी गार्ड्स वगैरह लग रहे हैं, उसके बाद में मैं फाइनल रिव्यू आपको दूंगी। सो अभी बस वेट करना है, 2-3 घंटा उन्होंने बोला है, उसके बाद देखेंगे। भूख भी मिट गया है मेरा, सुबह खा के निकली थी बट अभी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में ना भूख भी मिट गया है। और अभी वेट कर रही हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो बाय फॉर नाउ। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. Yes, I'm super happy and thanks to everyone.
चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फाइनल डिलीवरी ऑफ माई डुक डुक है ना। सो गाइज मैं अपनी बाइक लेके चली गई। सो भैया थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करने के लिए इधर उधर लेकर गए थे, देन उसके बाद में मैं लेकर चली गई। फिर मैं गई कैफे, देन कैफे में मैं मिली अपनी बहुत सी प्यारी सी फ्रेंड को। सो उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने फाइनली मैंने लिया बोलकर। देन मैं उसे विश्वास करा रही थी कि नहीं देखो यार मैंने फाइनली ले लिया है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। सी स्टिल कन्फ्यूज कि ये मेरा ही बाइक है, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा बाइक है बोलकर। वो इधर उधर ताक रही है, वो समझ नहीं पा रही है कि मैंने लिया है बोलकर। देन उसके बाद में मैं घर लेकर आई, देन फ्रेश वगैरह होने के बाद में हमने किया थोड़ा प्रेयर। प्रेयर करने के बाद में मैंने दिया अपने डुक डुक को ब्लेसिंग। मम्मी और मैं थोड़ा सा प्रे कर रहे थे क्योंकि गाइज किसी भी शुभ काम को स्टार्ट करने से भगवान को याद करना ज़रूरी है। एंड गाइज मैंने ये बाइक लिया है हमारे यहाँ के नियरेस्ट रॉयल इनफील्ड के शोरूम से, जो कि है शिव मंदिर में। सो आप जाके ज़रूर विजिट करना। एंड गाइज दिस इज़ हाउ आई एंड माई डे, और हमने ब्लेसिंग दिया अपने डुक डुक को और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इवन मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मैंने अपने पैसों से कुछ ख़रीदा है। एंड गाइस सच बताओ तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, बट डुक डुक को मैंने अपनी जगह पे पार्क कर दिया। एंड मम्मी को इग्नोर करना। एंड दिस इज़ द एंड गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।